लड्डू है 50 रुपए किलो, मिठाई 50 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो आपको क्या चाहिए बोलिए। प्याज थोड़ा सा अगर आपको एक घंटे और रहे तो ये दिग्विजय सिंह ले जाएगा, ये राजेश ले जाएगा, और महंगी हो जाएगी प्याज। छोटी गरीब की थाली से गायब प्याज, गरीब की थाली से गायब प्याज, कांग्रेस का देखो हाल, गरीब की थाली से गायब प्याज, कांग्रेस का देखो हाल, गरीब की थाली से गायब प्याज, कांग्रेस का देखो हाल, गरीब की थाली से गायब प्याज। प्याज की काला बाजारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्याज की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम दिल्ली की सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो सरकार गरीबों को 2 रुपए किलो, 2 रुपए और 5 रुपए में भोजन देती थी, आज उससे पूछना चाहते हैं कि 100 रुपए किलो प्याज है, गरीब की थाली से जब प्याज में गायब हो गई, जो है अल्पसंख्यक की बिरयानी से प्याज गायब हो गई, और जो है पैसे वालों के जो है सलाद से प्याज गायब हो गई। कांग्रेस अब इसका हिसाब दे, सोनिया गांधी इसका जवाब दे, मनमोहन सिंह जी इसका जवाब दे। मनमोहन सिंह जी ने एक विदेश यात्रा में की तो उस समय प्याज महंगी हो गई, इसका मतलब प्याज की काला बाजारी कांग्रेस कर रही है, प्याज को जो है विदेश में जाकर बेच रही है। हिंदुस्तान के किसान के खेत से जब प्याज आई तो प्याज सस्ती थी, जब व्यापारी और उद्योगपतियों के जो है गोदामों में गई तो प्याज महंगी हो गई, काला बाजारी करने वाली प्याज। इतना ध्यान रखो कि कांग्रेस इसका हिसाब देना पड़ेगा, कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर प्याज का हिसाब कांग्रेस नहीं देगी तो 2013 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुंह काला होगा और 2014 में मध्य प्रदेश से जो है देश से जो है कांग्रेस से दिल्ली सरकार छीन ली जाएगी। काला बाजारी यहाँ से हो रही है, इसको रोका जा रहा है प्याज को यहाँ पे आने से, यहाँ पे मतलब इसकी स्टोरेज करा जा रहा है इसको प्याज को। जहाँ प्याज की कालाबाजारी हो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वार के पास, मनमोहन सिंह जी के द्वार के पास, वहाँ वो हिसाब ले, वहाँ जवाब दे कृषि मंत्री इसका जवाब दे। हम तो कांग्रेस से प्याज का हिसाब लेना चाहते हैं, कालाबाजारियों को फांसी दो, अन्यथा पूरी कालाबाजारी करने की ठेकेदार कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और कांग्रेस के दिल्ली के मंत्री। हमें तो प्याज बेच, अरे हरे पूछो मारो हारो पीछे प्याज देखो काय का हारो पूछो ने प्याज काटोगे नहीं क्या भैया? प्याज बहुत महंगी है साहब, 80 रुपए किलो चल रही है। 80 रुपए किलो चल रहा है। हाँ जी हाँ। इसपे ग्राहकों का क्या असर पड़ा है? ग्राहकों को बहुत बुरा असर पड़ रहा है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, पूछ के चले जाते हैं बहुत से, कुछ एक पाव लेते हैं। महीने भर में कितनी बार बढ़ी प्याज? प्याज कम से कम 4-5 दफे बढ़ चुकी है। कहाँ से लाते हो आप प्याज? मंडी नौबार मंडी से। मंडी से लाते हो? या अपन फुटकर व्यापारी है ना, थोड़ी थोड़ी लाते, बोरे लेते नहीं है, तो सुलमा प्याज लाते हैं वो, इसलिए महंगी पड़ती है। आप 80 रुपए किलो बेच रहे हैं? 80 बेच रहे हैं। पहले ग्राहकी कैसी रहती थी जब सस्ती थी? सस्ती थी तो ग्राहकी कम से कम महीने भर में 10 किलो मतलब 20 किलो 25 किलो प्याज कट जाती थी, अब तो आते पूछते हैं चले जाते हैं। ये प्याज के आंसू कांग्रेस की यूपीए सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी, चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। आज मतदाता रो रहे हैं, कल कांग्रेस ही रोएंगे। आरोप लगाने से नहीं होता है, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं स्टोरेज कर रही तो छापा मारें। गलत आरोप गलत बयानी से अपनी खाल नहीं बचा सकते।